दोस्तों, आप यदि गूगल क्रोम का उपयोग करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आप अपने कंप्यूटर का भी वीडियो या ऑडियो प्ले करेंगे गूगल ब्राउज़र से, गूगल क्रोम के ब्राउज़र से, तो आपको ऑटोमेटिक कैप्शन दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? सबसे पहले मैं आपको कोई भी रैंडमली वीडियो चलाता हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी या फ्रेंच में होगी, उन्हीं के ही कैप्शन सही से दिखाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज का वीडियो देख लेते हैं। तो यूट्यूब खोलते हैं ओपन। कोई भी इंग्लिश वाला सॉन्ग प्ले करेंगे यहाँ पे, इंग्लिश सॉन्ग लिख दिए, कोई भी आएगा इंग्लिश सॉन्ग, जैसे कि ये है। अब इसका सबसे पहले देखेंगे तो कैप्शन दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे कैप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको कैप्शन चाहिए, तो कैप्शन के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और फिर सेटिंग्स में चलेंगे। सेटिंग में चलने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके अंदर लाइव कैप्शन का ऑप्शन दे रहा होगा, इसको आपको ऑन कर लेना है। आप फर्स्ट टाइम ऑन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे लैंग्वेज डाउनलोड हो जाएगी, वो दिखाई देने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा इंग्लिश डाउनलोड है, आपके पास प्रेफर्ड में लैंग्वेज जो है केवल इंग्लिश या एड लैंग्वेज में क्लिक करेंगे तो फ्रेंच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेज में ही अभी सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है भविष्य में और भी लैंग्वेज सपोर्ट करने लग जाए। तो हमने इसको लाइव कैप्शन को ऑन कर लिया है। अब इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे लाइव कैप्शन दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है। लाइव कैप्शन तो नहीं दिखा रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए इस गाने में। हाँ, ये देख सकते हो लाइव कैप्शन यहाँ पे चालू हो गए, तो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। माफी करते हैं, हो सकता है कंप्यूटर सुनता हो। म्यूट कर दिया तो शायद इसको सुनाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे द वे लिखा है, स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। काम कर रहा है, काम करता है, इंटरनेट कनेक्शन जिस हिसाब से चलेगा। अभी इसमें नहीं शुरू हो रहा है और मुझे कॉपीराइट का भी डर है, तो इसी तरह से बस काम करता है। बस इतने इस वीडियो में था। वीडियो में धन्यवाद।